एक तरफ जहां चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को समुद्र के रास्ते घेरने की फिराक में है, वहीं भारत जवाबी कार्रवाई के तौर पर कारवार नेवल बेस बना रहा है, जो बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया यात्रा के बाद कर्नाटक का कारवार नेवल बेस एक बार फिर से चर्चा में। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चीनी दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए भारत ने पिछले एक दशक के दौरान अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कारवार नेवल बेस उन्हीं में से एक है। कारवार नेवल बेस कर्नाटक में अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच बना हुआ है। भारत कारवार नेवल बेस को प्रोजेक्ट सीबर्ड के नाम से बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कारवार में $3 अरब यानी कि करीब 23,000 करोड़ की लागत से 11,000 एकड़ में फैला नेवल बेस बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट सीबर्ड को साल 1999 में मंजूरी मिली और इसके पहले चरण का काम साल 2005 में पूरा हुआ। इसके दूसरे चरण का काम साल 2025 तक पूरे होने की संभावना है, जिसके बाद कारवार में स्थित INS कदम न केवल देश बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन जाएगा। यहाँ कम से कम 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात होंगे। यहाँ एक नेवल एयर स्टेशन भी होगा, जिसके लिए 3000 फीट लंबा रनवे बनाया जाएगा। इस नेवल एयर स्टेशन से फाइटर प्लेन भी उड़ान भर सकेंगे। साथ ही इस नेवल बेस में देश की पहली सी लिफ्ट फैसिलिटी भी मौजूद है। कारवार की लोकेशन ऐसी है कि भारत अरब सागर और हिंद महासागर दोनों इलाकों की निगरानी कर सकता है, साथ ही चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हलचल को काउंटर भी कर सकता है। पिछले एक दशक से चीन भारत के आसपास मौजूद समुद्री इलाकों पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी योजना चीन से म्यांमार तक सीधा समुद्री रास्ता बनाने की है। चीन हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के खेल में पाकिस्तान को भी शामिल कर चुका है। इसीलिए वो पाकिस्तानी नेवी को एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा होगा और चीन भारत को तीनों तरफ से घेर सकेगा। चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारत ने पिछले साल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बाकी मित्र देशों की नेवी के साथ मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास करते हुए रिकॉर्ड बनाया था। अब एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाकर इस खेल में बढ़त लेने की शुरुआत कर चुका है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।